ये पूछा था कि मस्जिद घर से तकरीबन 9 माइल्स दूर है, क्या घर पर नमाज पढ़ना जायज़ है? देखें, अगर ये फासले का नहीं होता, बस इतना होता है कि आपको मस्जिद तक जमात के लिए पहुंचने में और फिर वापस आने में शदीद हरज और तंगी ना हो। ये हो सकता है कि बाद अवकात शायद सिर्फ आधा मील के फासले पर मस्जिद हो, लेकिन रोडों की सेटिंग ऐसी हो, खुसूसन बाहर के मुल्कों में, कि हमारे यहाँ तो रोडों के बीच से निकाल लेंगे, लेकिन पूरा आप यू टर्न लेने के लिए जाना, फिर वापस आकर फिर दूसरा यू टर्न लेकर मस्जिद तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता हो, रश भी ज़्यादा हो, और फिर वापसी में इतना टाइम लग जाए, तो फिर शरीयत रियायत देगी। और अगर फ़र्ज़ कर लें स्ट्रेट रोड है और आप तेज़ रफ्तारी से चलाएं, बिल्कुल खाली रोड होता है और आप इजीली मस्जिद तक जल्दी पहुंच सकते हैं, तो फिर जमात से पढ़ना ही ज़रूरी करार दिया जाएगा। तो बस ये देख लें कि वहाँ पहुँचने में आपको और फिर वापस आने में शदीद हरज और तंगी का सामना करना पड़ता है कि नहीं। अगर करना पड़ता है तो फिर आपके लिए जमात का तर्क करना जायज़ है और आप घर पर नमाज पढ़ सकते हैं। अब जैसे बाज़ोकात इलाके ऐसे होते हैं कि बिल्कुल करीब मस्जिद होती है लेकिन कीचड़ हो जाए, बारिश हुई, पानी जमा हो गया, कीचड़ जमा हो गई, अब बाहर फासला देखें तो बिल्कुल सामने है लेकिन निकल कर जाना बड़ा मुश्किल है, गंदे पानी में गिर जाएंगे या कीचड़ में फिसल जाएंगे, रास्ता सही नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी तर्क जमात की इजाज़त होगी।